एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं जो कि हर्पीस की ड्रग्स है और इन्फ्लुएंजा की ड्रग्स है, दैट इज नॉन रिट्रोवायरस ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे आज वो है एंटी रिट्रोवायरल, यानी जो रिट्रोवायरस के अगेंस्ट आएगी। रिट्रोवायरस क्या होता है, जनरल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो ड्रग्स होती है वो एड्स के अगेंस्ट वर्क करती है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोवायरस इज अ वन वायरस जो कि रिट्रोवायरस की कैटेगरी है या रिट्रोवायरस ही है। आप ह्यूमन इम्यूनोवायरस को रिट्रोवायरस बोलते हैं और इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स। ठीक है, जो एड्स होता है वो एचआईवी से होता है, एचआईवी इज अ टाइप ऑफ रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस के अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सबसे बड़ी बात है कि रिट्रोवायरस क्या होते हैं और नॉन रिट्रोवायरस क्या होते हैं। तो रिट्रोवायरस, नॉन रिट्रोवायरस जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि वायरस अपनी असेंबली कैसे बनाता है, अपने आप को आगे डेवलप कैसे करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होता है डीएनए से वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, देन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन रिट्रोवायरस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो ये चूंकि उल्टी प्रोसेस है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसमें यूज होता है एंजाइम। और ये जो वायरस है ये जो प्रोसेस है किसके अंदर होती है, रिट्रोवायरस के अंदर होती है। कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए, वो क्या बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा, और डबल स्ट्रैंड डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि पूरा ही अपोजिट है नॉर्मल प्रोसेस से। सब और एक और बात है, रिट्रोवायरस क्या होते हैं, होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, उसकी सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जो होस्ट का डीएनए होता है उसके क्रोमोसोम से वो इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए ये डिजीज फर्दर प्रोसीड होती रहती है, जैसे कि एड्स। तो अब हम बात करते हैं कि इस वायरस से कैसे फाइट किया जाता है, किस तरह से इसका इन्फेक्शन को क्योर किया जाता है। तो अभी तक तो हमें ये पता है कि एड्स का कोई भी इलाज नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम एज अ वायरस का लोड कम करने के लिए किस तरह की ड्रग्स उसको प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं और किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर थ्री कैटेगरी की ड्रग आती है, सबसे फर्स्ट आती है आपकी NRTIs, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसकी वजह से आरएनए डीएनए में चेंज होता है और डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसमें हम उसको इनहिबिट करते हैं। सेकेंड हो गया नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ये इस एंजाइम पे वर्क नहीं करके किसी और फर्दर मैकेनिज्म से दूसरी तरह से वायरस को किल करने के लिए या फिर उसकी असेंबली को कम करने के लिए, इसके डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है। और थर्ड वन हो गया आपका प्रोटीज इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसी ड्रग जो इन तीन एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जो ये तीनों ड्रग है वो किसके अंदर आएगी, आपकी एंटी रिट्रोवायरस की कैटेगरी में आएगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ATGC जो होते हैं उनको इंटरफेयर करके डीएनए को मॉडिफाई करके जो ड्रग्स यूज होती है रिट्रोवायरस की थेरेपी में, तो वो इस कैटेगरी में आएगी और जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी मेनली इसमें आएंगे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि क्या होता है आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है, तो ये आप ध्यान में रखना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कौन सा होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है वो किस तरह से एक्शन करती है, तो वो इस एंजाइम के थ्रू एक्शन करती है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। तो हम इस कैटेगरी में वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी या इस एंजाइम के थ्रू अपना मैकेनिज्म देती है। तो हम बात करते हैं इसमें कुछ ड्रग्स आती है जिसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, स्टार्ट फ्रॉम ABC to Z, डोंट बी लेट डियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम एबीसी, तो स्टार्ट से आप क्या हो गया स्टाउडी, एबीसी से हो गया आपका अबाकबीर, अबाकबीर का जो शॉर्ट फॉर्म है डेट इज एबीसी। ठीक है, और जेड से हो गया आपका जीरोफिडीन,
जीरोडीन इस कैटेगरी की सबसे फर्स्ट ड्रग थी जिसको डिस्कवर किया गया था 1987 में। इसको डिस्कवर किया गया था और इसको एज अ मोनोथेरेपी और प्रोटोटाइप भी बोलते हैं इस कैटेगरी का। मोनोथेरेपी एड्स के अंदर इसको बोलते हैं कि एक सिंगल ड्रग का इतना काम है कि आपको इसके साथ में कॉम्बिनेशन देने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके साथ में कोई और एंटीवायरस ड्रग जो देते हैं वो नहीं देने की जरूरत है। इसमें फर्दर और डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं डोंट बी लेट डियर, तो इससे हो जाएगा आपका लेट से हो जाएगा आपका लेमिबुटिन और डियर से हो जाएगा आपका डिनेनोसिन। तो यहाँ पे आपकी 1, 2, 3, 4, 5 ड्रग्स है। स्टार्ट फ्रॉम यानी एक बच्चे को हम कह रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम एबीसी टू जेड, नॉट ए टू जेड, एबीसी टू जेड। तो इससे आपका अबाकावीर का जो एबीसी है वो भी ध्यान में रह जाएगा। और जेड से हो जाएगा आपका जीरोबिडीन, स्टार से हो जाएगा आपका स्टाफबीन, और डोंट बी लेट डियर लेट से हो गया आपका लैमिबुटिन, और आपका डियर से हो गया डिडिनोसिन। तो अब हम पढ़ते हैं ये फर्दर कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं ये किस टाइप से अपना मैकेनिज्म देती है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले जीरोबिडीन की हम बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि 1987 में इसको बनाया था, डिस्कवर किया था, और इसके अंदर ये क्या करता है, ये थायमिडीन एनालॉग होता है। ठीक है, थायमिडीन आपको पता है ATGC, एडनीन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये किस पे एक्शन करता है, थायमिडीन एनालॉग होगा। ये क्या करेगा, वायरस का जो थायमिडीन डीएनए के अंदर जो थायमिडीन है उसके साथ में ये लग जाता है और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेगा और फर्दर जो इसकी वायरस की असेंबली बन रही है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है, उसको स्टॉप कर देगा। ये भी रेजिस्ट डेवलप कर लेता है इफ अगर प्रोटीन पॉइंट म्यूटेशन हो किसके अंदर, वायरस के अंदर अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो जीरोबिडीन क्या कर लेता है, अपना रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। जीरोबिडीन होस्ट सेल के अंदर जाता है, जीरोबिडीन ट्राई फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और जीरोबिडीन ट्राई फॉस्फेट में चेंज होने के बाद में ये क्या करता है, उसके डीएनए से इंटरफेयर करता है, और जिस तरह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा था उसको ये प्रोसेस यहीं रुक जाती है। तो ये वायरस, ये जो ड्रग है ये क्या करती है, वायरस के जो असेंबली है, रिप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि चेन अलोंगेशन टर्मिनेशन आगे का जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको तो स्टॉप कर देती है, लेकिन वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उस पर ये यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी जीरोबिडीन को एक बहुत अच्छी ड्रग हम मानते हैं। तो ये सबसे प्रोटोटाइप ड्रग है और मोनोथेरेपी भी इसको कंसिडर किया है, जिसकी किस कैटेगरी के अंदर है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इनहिबिटर्स के अंदर। तो ये आपको पूछ सकता है जीरोबिडीन किस तरह से मैकेनिज्म होता है, कहाँ पे एक्ट करता है, तो डेट इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और एक और चीज है, ये क्या करता है, जीरोबिडीन जो होता है इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो अगर आप पैरासिटामोल के साथ इसको देते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको पैरासिटामोल के साथ में देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, डेट इज जीरोबिडीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टाउडीन। स्टाउडीन भी सेम है, सेम इसका प्रोसेस है AZT यानी कि जीरोबिडीन की जैसे ही होता है, ये भी थायमिडीन एनालॉग होता है और इसकी बायोअवेलेबिलिटी 60-70% होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये सिमिलर होते हैं दोनों, जीरोबिडीन और स्टाउडीन। अब हम बात करते हैं लैमिबुटिन। लैमिबुटिन कहाँ पे एक्ट करता है, ये दो तो हो गए आपके थायमिडीन, स्टाउडीन और जीरोबिडीन क्या होती है, थायमिडीन एनालॉग होते हैं, और लैमिबुटिन क्या होता है, डीऑक्सीसाइटिडीन साइटोसिन जो होता है वहां पे साइटिडीन से इसको आप देख लीजिएगा, साइटिडीन पे ये वर्क करता है, डीऑक्सीसाइटिडीन पे। और फर्दर ये भी किस पे एक्शन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे एक्ट करता है। इसके कुछ इसका जो इफेक्ट है वो किस पे आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है उसमें भी लैमिबुटिन को यूज किया जाता है। और डिडेनोसिन फर्दर क्या करते हैं, डिडेनोसिन ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम है। तो डिडेनोसिन क्या करता है कि जो वायरस का डीएनए होता है उसको एटीपी की जरूरत होती है, तो उस एटीपी के कंजम्पशन को रोकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है। तो ये डिडेनोसिन प्यूरिन एनालॉग है, डिडेनोसिन क्या है आपका, प्यूरिन एनालॉग है। अबाकावीर फर्दर है जिसको आप एबीसी बोलेंगे, जैसे कि मैं ट्रिक में बता दिया अबाकावीर, ये और डिफरेंट हो गया। तो अबाकावीर क्या है, ग्वानोसिन एनालॉग होता है। ये क्या करता है,
यहाँ पे आगे ग्वानोसिन के फॉर्म में रहता है, जिससे ये कार्बावेट ट्राइफॉस्फेट में चेंज होता है और फर्दर ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है। तो इस तरह से ये पांच ड्रग है, जिडोविडीन, इस्टाकुडीन, लेमिबुडीन, डिटेनोसिन और अबाकावीर, ये पांचों ड्रग क्या करती है, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसी पे ही रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ऊपर, चाहे वो किसी भी न्यूक्लियोसाइड को एक्ट करे, चाहे वो थायमिडिन ले ले, चाहे वो साइटोसिन ले ले, चाहे वो प्यूरीन ले ले, चाहे वो ग्वानोसिन ले ले। तो इस तरह से इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो किस एंजाइम पे होता है, और रिट्रोवायरस और एंटी रिट्रोवायरस में या नॉन रिट्रोवायरस में क्या डिफरेंस होता है, तो वो ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो नॉन रिट्रोवायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर्दर डीएनए से एमआरएनए में चेंज होता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस उल्टी है, इसीलिए इसको रिवर्स बोलेंगे। रिवर्स बोला है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, ना कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनेगा और इस डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इसमें जो एंजाइम की जरूरत होती है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसको कहते हैं आप आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इस एंजाइम पे एक्शन करके ये पांचों ड्रग एक्ट करती है, जिसमें जिडोविडीन मेन है। ये सारी ही ड्रग इफेक्टिव है, सब अपने अलग अलग मैकेनिज्म से चलते हैं, बस ये ध्यान में रखना है आपको। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं ATGC, वो आ गए आपके थायमिडीन, साइटिडीन, प्यूरीन और ग्वानोसिन। हमने प्रीवियस भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोसाइड पे एक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में ही आएंगे थायमिडीन, साइटिडीन, और जो वायरस का डीएनए है उससे इंटरफेयर करेंगे और उसकी असेंबली को बढ़ने से रोकेंगे, उसके रिप्लिकेशन को रोक देंगे। तो इस तरह से हमने आज ये कवर किया है कि एंटी रिट्रोवायरस यानी कि एड्स की थेरेपी कैसे होती है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस से कैसे लड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। और इसमें तीन कैटेगरी है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नॉन न्यूक्लियोसाइड जिसको हम कल पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होते हैं और प्रोटीएज इनहिबिटर्स। तो इन दोनों की फर्दर और क्लास होगी। इसके लिए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में ये पांच ड्रग है, आपको इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है। इसमें ट्रिक ये है, स्टार्ट फ्रॉम ABC to Z, डोंट बी लेट डियर, हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं डोंट बी लेट डियर, ये भी आप पहले ले सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ABC to Z। तो अबाकावीर होगी, जिडोविडीन होगी, स्टाकुडीन होगी, लेमिबुडीन होगी और टिडेनोसिन होगी। और इनमें से जिडोविडीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ मोनोथेरेपी भी आप उसको यूज करते हैं, और फर्दर एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये आपका आज एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो काइंडली शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।